आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन चल रहा है। समिट के आयोजन का दूसरा दिन है। इस मौके पर कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शामिल हुए। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में यूपी में कुल 18,643 एएमयू साइन हुए हैं। पूर्वांचल में कुल 5,406 एएमयू इंटेंट हुए हैं। मध्यांचल में 4,424 एएमयू इंटेंट हुए हैं और बुंदेलखंड में 424 एएमयू इंटेंट हुए हैं। बता दें कि आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का दूसरा दिन है। केंद्रीय सरकार की तरफ से केंद्रीय तमाम मंत्री और राज्य सरकार के मंत्री आज यहाँ पर शिरकत किए हैं। 18,000 से अधिक एएमयू जो है साइन किए गए हैं। 32,00,000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट हुआ है। 18,000 से एएमयू जो है अधिक साइन किए गए हैं। वहीं पर बता दें कि आज केंद्रीय सरकार की तरफ से तमाम मंत्री आज शिरकत किए थे। वहीं राज्य सरकार के तमाम मंत्री आज उपस्थित थे। इसके थोड़े ही देर पहले योगी आदित्यनाथ ने अपना संबोधन दिया है। कार्यक्रम में तमाम केंद्रीय सरकार के मंत्री आज उपस्थित थे। वहीं पर अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो देखा जाए यूपी में एक विकास के जिस तरफ से रफ्तार बढ़ाने के लिए निवेश, वहीं पर 18,406 एएमयू साइन किए गए हैं। वहीं देखा जाए तो निवेश को लेकर जिस तरीके से सरकार ने लक्ष्य साधा था तो कहीं ना कहीं उसका जो है अच्छा रिस्पॉन्स सामने आ रहा है। 32,00,000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट बताया जा रहा है। लखनऊ में बता दें कि यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज दूसरा दिन है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है लखनऊ के डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में कराया जा रहा है, जिसका आज दूसरा दिन है। यहां पर तमाम आज केंद्रीय मंत्री, राज्य सरकार के मंत्री उपस्थित थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि स्मृति ईरानी आज उपस्थित थी। वहीं पर नितिन गडकरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, तमाम ऐसे केंद्र सरकार के मंत्री आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दूसरे दिन उपस्थित थे। दिल्ली में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे जमीयत उलेमा हिंद के चीफ मौलाना महमूद मदनी ने बीजेपी और आरएसएस को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि भारत में हर धर्म के लोग रहते हैं और ये देश जितना उनका है उतना सभी का है। आरएसएस और बीजेपी से हमारी कोई मजहबी अदावत नहीं है। हमारी नजर में हिंदू और मुसलमान सब बराबर है। हम इंसान के दरमियान कोई फर्क नहीं करते। भारत के तमाम शहरी बराबर है। इनके बीच भेदभाव नहीं होना चाहिए। जितना ये देश नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का है उतना ही ये देश महमूद का भी है। न महमूद इनसे एक इंच आगे है और न वो महमूद से एक इंच आगे है। साथ ही इस धरती की खासियत यह है कि यह खुदा के सबसे पहले पैगंबर अबुल बशर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की सरजमीन है। आप यहीं तशरीफ लाए। यह धरती इस्लाम की जाए पैदाइश है। यह मुसलमानों का पहला वतन है। नेता राजा सिंह ने इस पर ट्वीट करके सफाई देते हुए कहा कि न ऊंच नीच न जात पात, बस इतनी सी है संघ की बात। जमीयत उलेमा हिंद का मदनी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने बीजेपी और आरएसएस को साधा निशाना है। उसने कहा कि है ये हिंदुस्तान
ना नरेंद्र मोदी का है और ना मोहन भागवत का है, ये हिंदुस्तान सबका है। आइए एक बार आपको फिर से सुनाते हैं कि महमूद मदनी ने क्या कुछ कहा है। जितना ये देश नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का है उतना ही ये देश महमूद का भी है। न महमूद इनसे एक इंच आगे है और न वो महमूद से एक इंच आगे है। साथ ही इस धरती की खासियत यह है कि ये खुदा के सबसे पहले पैगंबर अबुल बशर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की सरजमीन है। आप यहीं तशरीफ लाए, यह धरती इस्लाम की जाए पैदाइश है, यह मुसलमानों का पहला वतन है। अब आपके आपको लेके चलते हैं कि रामचरितमानस विवाद को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट के माध्यम से साधु संतों के आरोपों पर सफाई पेश की है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि किसी भी संत महंत धर्माचार्य को ना तो नीच अधम कहा गया और ना ही प्रताड़ित अपमानित किया गया है। ट्वीट में उन्होंने ये बात कही है और उन्होंने ट्वीट में क्या कुछ कहा कि रामचरितमानस पर अभद्र टिप्पणी से आहत संतों ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी, जिस पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट सामने पेश किया है। ट्वीट में देखिए उन्होंने कहा कि किसी भी संत महंत धर्माचार्य ने ना तो नीच अधम कहा गया है और ना ही प्रताड़ित अपमानित किया गया है, फिर भी आग बबूला होकर धर्म संयम और विवेक खो दिए हैं। सोचिए जरा उन महिलाओं और आदिवासियों दलितों पिछड़ों से जिन्हें धर्म के नाम पर आप रोजाना नीच अधम अपमानित व प्रताड़ित करते हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस विवाद के बाद अभी एक नया लगातार वो ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे हैं। एक नया ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि किसी भी संत महंत धर्माचार्य को ना तो नीच अधम कहा गया और ना ही प्रताड़ित अपमानित किया गया और फिर भी आग बबला होकर धैर्य समय संयम और विवेक खो दिए। दरअसल रामचरितमानस पर अभद्र टिप्पणी से आहत संतों ने अपनी भी प्रतिक्रिया दी थी, जिस पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक और ट्वीट किया है और वही ट्वीट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। किसी भी संत महंत धर्माचार्य को ना तो नीच अधम कहा गया और ना ही प्रताड़ित किया गया है और आगे उन्होंने कहा कि और आग बबला होकर धर्म संयम और विवेक खो दिए। सोचिए जरा उन महिलाओं आदिवासियों दलितों पिछड़ों से जिन्होंने धर्म के नाम पर आप रोजाना नीच अधम अपमानित व प्रताड़ित करते हैं। चित्रकूट जेल के अधीक्षक के कमरे में अकेले एमएलए अब्बास अंसारी और उसकी पत्नी निहकत के बीच हुई मुलाकात के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। जेल अधीक्षक अशोक सागर और जेल संतोष कुमार को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही डिप्टी जेलर पीयूष पांडे और 5 बंदी रक्षकों पर भी निलंबन की गाज गिराई गई है। बता दें कि चित्रकूट के जेल में बंद अब्बास अंसारी की पत्नी नियकत उनकी अवैध तरीके से मिलने गई थी, जिसको लेकर वहां के जेलर को सस्पेंड कर दिया गया है। एमएलए अब्बास को पत्नी से अकेले प्रशासन की तरफ से एक्शन लिया गया है, जहां पर बताया जा रहा है कि हरदोई के सर्कुलर रोड पर आज न्यू संजीवनी हॉस्पिटल का शुभारंभ होना था, जिसकी भनक स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी डॉक्टर पंकज मिश्रा को लगी। सूचना मिलने के बाद नोडल अधिकारी पंकज मिश्रा मौके पर पहुंचे। पूछताछ के बाद छानबीन करने के पश्चात मालूम हुआ कि न्यू संजीवनी हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन तक नहीं हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन चेक करने के बाद न्यू संजीवनी हॉस्पिटल को शुभारंभ के दौरान ही सीज कर दिया गया। आज सुबह मुझे मीडिया के माध्यम से सूचना मिली कि एक चिकित्सालय का इनॉग्रेशन आज हो रहा है, जो पंजीकृत है अथवा नहीं उनके द्वारा पूछा गया था। मैं मौके पर पहुंचा और मैंने उसको पोर्टल पर चेक किया तो वो चिकित्सालय पंजीकरण नहीं था, उससे पहले आज उसका इनॉग्रेशन हो रहा था। मैंने उसको बंद करा दिया है और क्योंकि उसका पंजीकरण नहीं था इसलिए उसको बंद करा दिया।
लखनऊ में आशियाना कोतवाली के अंतर्गत स्मृति उपवन पार्क में हर्षिल महोत्सव में रात में हवाई फायरिंग हुई। जानकारी के मुताबिक देर रात महोत्सव में लगे गार्डों के बीच गाली गलौज होने लगी थी, तभी दुकानदारों ने इसका विरोध किया तो हवाई फायरिंग की गई। इसके साथ ही महोत्सव में शामिल हुए व्यापारियों ने मेला कमेटी पर यह आरोप लगाया कि पहले भी इस तरह की घटना की सूचना देने पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? मुरादाबाद से बिलोंग करते हैं। अच्छा, हमने बेडशीट की दुकान लगाई है। कहाँ पे लगाई है? ये 27-28 नंबर हमारा ही है, 26-27-28 महोत्सव में। अच्छा, तो क्या हुआ था कल रात में, कोई बात हो गई थी? पैसे लेने आए थे हम, इनसे पैसे छुड़ाने चाह रहे हैं। कौन लेने आया था? ये बिना दोबे ने अपने गार्डों को भेजा और ये जब पैसे हमने कम दे रहे थे, मैंने बाकी कल कर देंगे आपका हिसाब, तो बाकी उन्होंने सबको टॉयलेट में बंद कर दिया कि अभी चाहिए हमें पैसे सारे। उन्होंने ऊपर से बदतमीजी करी, गुंडागर्दी करी, और यहाँ फायरिंग करे, सब 25-30 थे वो, सब गालियाँ वगैरह सारे टूटे। कल रात में सब जबरदस्ती बाउंसर लेके जा रहे हैं, एकदम ढेर थप्पड़ कान के पर्दा फाड़ दे, सबको मारे जा रहे हैं, एकदम किसी को पूछ रहे हैं, मतलब भैया पैसा लेना है, सुबह ले लेना हमसे पैसा। जबकि अभी 3 दिन मेला बाकी है। अच्छा, 3 दिन मेला बाकी है, अभी चाहिए गुंडागर्दी। तुमको भी मारा है? बहुत बुरी तरह मारा, कान के पर्दा फाड़ दिया भाई साहब। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? वहीं आपको ले चलते हैं समिट में, जहां पर ज्योतिरादित्य सिंध ने वहां से शिरकत करने के बाद वो आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूपी में इस समिट से यूपी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। बता दें कि आज समिट का दूसरा दिन था, जहां पर कई केंद्र सरकार के तमाम मंत्री और राज्य सरकार के आज तमाम मंत्री यहां पर उपस्थित थे। स्मृति ईरानी, वहीं आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया आज यहां पर शिरकत किए थे। और बता दें ज्योतिरादित्य सिंधिया कार्यक्रम से निकल रहे हैं, समिट को बताया विकास के लिए अच्छा है। उन्होंने समिट को लेकर बताया कि विकास के लिए अच्छा है, यूपी से इसका रफ्तार मिलेगी। आज के उत्तर प्रदेश की खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।